क्योंकि देखिए इस्लामिक आतंकवाद से आप लोगों की दुश्मनी तो बहुत पुरानी है। इसी इस्लामिक आतंकवादियों ने, मैं तो इस्लामिक आक्रांता, इस्लामिक आतंकवादियों ने सिखों के नौवे गुरु गुरु तेग बहादुर जी का शीश काट दिया था शीशगंज गुरुद्वारा। तो ये इस्लामिक आतंकवाद दो वाली सोच, और आज भी वही सोच है कि जो सिख सुपिंदर कौर के साथ इन इस्लामिक आतंकवादियों ने किया है। सुधांशु त्रिवेदी, जो कल किसानों के साथ हुआ, अब किसान कहां से आ गए सर? वही रहिए आप, किसान कहां से आ गए? चलिए ठीक है त्रिवेदी जी, सुधांशु त्रिवेदी जी, महबूबा मुफ्ती कह रही हैं आप लोग धरपकड़ कर रहे हैं इन संदिग्ध आतंकवादियों की, इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे, बड़ी कीमत चुकानी होगी और नतीजे खतरनाक होंगे। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए जो महबूबा मुफ्ती कह रही हैं उसमें कोई गलत नहीं है, उनके दिल की आरजू है, क्योंकि नतीजे उनके लिए अच्छे नहीं हो रहे हैं, नतीजे उन्हें चुकाने पड़ रहे हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। याद करिए इससे पहले जब हमारी सरकार नहीं थी, उससे पहले हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता कितने जलवाए जलाल के साथ दिल्ली आते थे, रेड कार्पेट वेलकम के साथ। अब आते हैं ईडी के संबंध पे, एनआईए के सामने पेशी करने, और भारत सरकार ने उनसे धेले भर की बात नहीं की 7.5 साल में, ना पाकिस्तान से बात करने दी। मुश्किल तो उनके लिए है। और महबूबा जी से तो मैं हरबंस जी से पूछना चाहूंगा कि ये बताइए, महबूबा जी क्या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी जब धारा 370 हटी थी, तो वो अपना एक कश्मीर का झंडा लेके खड़ी थी कि आईन से हमें एक झंडा मिला था, निशान मिला था, जब तक ये निशान हमें वापस नहीं मिल जाएगा तब तक हम इसे नहीं मानेंगे, यानी एक झंडा जो हुआ करता था। मैं उनसे चुनौती से पूछता हूँ, कश्मीर में जितने आंदोलन हुए उसमें वो कश्मीर का जो पुराना झंडा था उसकी एक तस्वीर दिखा दें, एक तस्वीर दिखा दें। झंडा सिर्फ ISIS का दिखता था, झंडा सिर्फ पाकिस्तान का दिखता था, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में पुराना कश्मीर का झंडा दिखा रही है। यह होती है असली चरित्र कुछ और दिखाना कुछ और। और यहां पर मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं, तो इन लोगों को दिल्ली भी तो आप ही लोग बुलाते हैं चर्चा के लिए कश्मीर पर। मुझे याद है 7 लोक कल्याण मार्ग में भी बाहर खड़ा था, इनको रेड कार्पेट वेलकम देकर इनको दिल्ली आप ही लोग बुलाते हैं। त्रिवेदी जी इनका असली रंग पता है ना, चाल चरित्र चेहरा पता है। देखिए अमन जी, हम एक बिल्कुल एक बात बता रहे हैं, हमने आज तक कभी हुर्रियत के किसी नेता को बुलाया हो तो बताइए। हाँ PDP के साथ बुलाया क्या, उनके साथ तो हमने गठबंधन सरकार बनाई थी, देश के हित में हमने एक प्रयोग किया था जो पूरी तरह गलत हुआ, और प्रधानमंत्री स्वयं 2019 में बोल चुके हैं कि हाँ हम ये मानते हैं कि वो महामिलावट थी और हम उसको सफलतापूर्वक नहीं चला पाए। मगर आप याद करिए PDP के साथ गठबंधन रहते हुए भी ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा था, PDP के साथ गठबंधन रहते हुए भी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस पे ईडी के केसेस चल रहे थे, PDP के साथ गठबंधन होते हुए भी NIA के ऊपर केसेस चल रहे थे। इनको बुलाते हैं आप लोग जब आपको इनकी सोच पता है। त्रिवेदी जी मेरा सवाल सुनिए, सरकार बनाई नहीं बनाई वो मेरा सवाल नहीं था, मुझे आज भी याद है कुछ महीने पहले 7 लोक कल्याण मार्ग पर इनको रेड कार्पेट बिछा कर इन लोगों को, पहले तो इनको अंदर ही रहने देते तो बेटर था, ये अंदर रहते तो हालात बेहतर थे, जब से बाहर आए तब से जो है घाटी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा सबको पता है। त्रिवेदी जी सवाल ये है, जब इनके विचार आपको पता है तो इनको दिल्ली क्यों बुलाते हैं, क्यों रेड कार्पेट वेलकम देकर 7 लोक कल्याण मार्ग में इनके साथ चर्चा करते हैं? देखिए जब हमने सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया, तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की कोई भी विचारधारा रही हो या हमारी सरकार की एक उदारवादी सोच थी कि भाई आपको अपनी बात कहने का मौका मिलेगा, पीडीपी भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, भले उनकी विचारधारा से हमारा घनघोर मतभेद है, परंतु आप ये बात देखिए ना, हमारी सरकार ने आतंकवाद और सुरक्षा के मुद्दे पे रत्ती भर भी कहीं पर कंप्रोमाइज नहीं किया है। और यही कारण मैं एक और बात याद दिला दूं, महबूबा जी तो बोलती थी ना कि भाई वो पड़ोसी से पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, आज हालत क्या है, जब धारा 370 हटी तो एड़ी चोटी का जोर लगा लिया पाकिस्तान ने, और चाइना ने भी पूरा जोर लगा लिया, यूनाइटेड नेशंस में एक बिंदु का भी प्रस्ताव नहीं ला पाए, और इतना ही नहीं इसके बावजूद भारत पहली बार ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के उसमें सम्मेलन में भी जाकर बतौर स्पेशल गेस्ट भाषण भी देकर चला आया। इसका मतलब ये यहां कुछ भी कहते रहे, जो मोदी सरकार की कूटनीति और सुरक्षा नीति दोनों कश्मीर को लेकर नतीजे भुगतने पड़ेंगे वो तो। इसलिए त्रिवेदी जी इनकी 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 धमकियों को गंभीरता से इसलिए लेने की जरूरत है, एक ट्रेंड है कि जब जब वो 370 या ऐसे 370 को लेकर बयान ऐसा कुछ बोलती है तो घाटी में कुछ हो जाता है, तो ये संयोग हो सकता है, इत्तेफाक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो धमकी दे रही हैं, वो कह रही हैं कि अगर इनको ऐसे गिरफ्तार आप लोग करते रहे तो नतीजे खतरनाक होंगे, इसकी कीमत सभी को चुकानी पड़ेगी।
हरबख्श जी एक कमेंट आपका, उसके बाद बिट्टा जी पर मैं आप बोल लीजिए पहले त्रिवेदी जी, वो धमकी दे रही है गंभीरता से लीजिए, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि माखनलाल बिंद्रू हो गया, सुपिंदर कौर हो गया, राकेश पंडिता, अजय पंडिता, वीरेंद्र पासवान, ये इतने नाम है त्रिवेदी जी, बहुत नाम है, सूची बहुत लंबी है। देखिए इसीलिए 700 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, गृह मंत्रालय ने जो सख्ती दिखाई है, मैं एक बात कह रहा हूं कि उनको कितना खतरा और कितनी हकीकत नजर आ रही है। महबूबा ने ये बोला था ना कि कंधे को, भारत के तिरंगे को कोई कंधा देने वाला नहीं मिलेगा, और याद करिए 15 अगस्त का श्रीनगर की डल लेक के पास लाइन लगे हुए झंडों की वो तस्वीर दिखाई पड़ी कि नहीं, ये मुसीबत और उनको कष्ट नजर आ रहा है, समझ सकते हैं। इसीलिए बेगुनाहों पर अटैक करके ये खिसियाहट और बौखलाहट में ये काम करने का प्रयास कर रहे हैं। बोलिए हरबख्श जी, थोड़े आंसू बचा कर रखिए, अभी तो 7 मारे हैं, आज एक और मारा, अभी तो बहुत आतंकी मरने हैं। बोलिए आप हरबख्श जी, आप बोलिए। जब भी अम्बिका के लोग यहाँ आते हैं, जब परसों भी किलिंग हुई तो आपके डिप्टी मिलिट्री एडवाइजर अमेरिका के हिंदू यहाँ हमारे भारत में बैठे हुए थे, और कश्मीर में सिविलियन किलिंग हुई, जब बिल क्लिंटन यहाँ आए तो कश्मीर में सिविल को मानते हैं आप, आज ये सिविलियन किसको मानते हैं आप, ये शमसुद्दीन सोफी सिविलियन है, मुख्तार शाह सिविलियन है, इम्तियाज अहमद डार सिविलियन है। हरबख्श जी बात करते हैं ना, ऐसे एक तरफा नहीं चीखेंगे नहीं आराम से। हरबख्श जी आपने बोला कश्मीर में सिविलियन किलिंग, आज एक आतंकवादी मारा गया शमसुद्दीन सोफी, इसको आप सिविलियन की श्रेणी में रखते हैं क्या? उसमें आप बताइए, हरबख्श जी आवाज आ रही है क्या? हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसका निंदन किया, उसने होम मिनिस्टर जो MOS है उसको ओहदे से उतारा, जिसके बेटे ने नेकते सिकू पे गाड़ियां चलाई। आपका वहां कोई पूछ नहीं रहा कहां जा रहे हैं यूपी, आप कश्मीर पर रह लीजिए ना, पहले जो आपका KRA आतंकियों को बचाने का उसको पूरा कर लीजिए, यूपी मत जाइए, उधर कार्रवाई हो रही है। चलिए हरबख्श जी एक मिनट, मुझे बिट्टा जी के पास जाना है, मिस बिट्टा के पास। मेरा सवाल ये है, आपने बोला कश्मीर में सिविलियन किलिंग्स हो रही है, मेरा सवाल ये है जो आज शमसुद्दीन सोफी आतंकवादी मारा गया, इसको आप सिविलियन के दायरे में रखते हैं? मुख्तार शाह आतंकवादी मारा गया, क्या ये सिविलियन था? इम्तियाज अहमद डार मारा गया, 7 आतंकवादी मारे गए, ये सिविलियन है ना, इनको आप सिविलियन मानते हैं? इस मुल्क के लिए जो हमने कुर्बानियां दी है, जो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने दी है, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया था, और आज उसकी बेटी या उसकी पार्टी को आप गाली दे रहे हो, और 10 साल 4 साल तो आतंकियों को गाली दे रहा हूँ, मैं तो आतंकियों को गाली दे रहा हूँ, शमसुद्दीन सोफी, मुख्तार शाह, इम्तियाज अहमद डार, ये 7 आतंकवादी जन्नू पहुंचा, आपको इतना दर्द हो रहा है? मैं तो यहाँ कह रहा हूँ आपको, देखिए कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई, आपको दर्द नहीं हुआ? सेना के 5 जवान शहीद हुए, आपको दर्द नहीं हुआ? इनको पकड़ा जा रहा है, आपको दर्द हो रहा है? कवर फायर दे रहे हैं आप आतंकवादियों को, MS बिट्टा ये इस तरह के बयान के आतंकवादियों को कवर फायर है, हाँ या ना? बिट्टा साहब आप बोलिए। देखो अमन जी,